मैं रंजन कुमार अमृत दिन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विश्व मातृभाषा दिवस है और यहाँ राजधानी पटना में कारगिल चौक के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जनता को जागृत करने के लिए, ताकि मातृभाषा का सम्मान हो राज्य स्तर पर और विश्व स्तर पर। और मातृभाषा जो हमारी है, बंगला भाषा या अन्य भाषा, ये बिहारी भाषा है, जो मैथिली, बजिका, अंगिका, ये सभी भाषाएं जो हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे, मतलब घर में लोग नहीं बोलते हैं, उसे लोग घर में बोलना जारी रखें, स्कूलों में पढ़ाई जारी रहे, इसी विषय पर जागरूक करने के लिए आप लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। सर अपना परिचय देंगे ज़रा। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा है जी। मैं बिहार की जो बिहार बंगाली समिति है, 1938 में बनी थी जी, और बिहार में बंगला भाषा, बंगला कल्चर और बाकी सभी कल्चरों के साथ मेल जोल बढ़ाने का जो समिति है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ। और आज के दिन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसलिए ये हमारी पवित्र कर्तव्य है कि इस दिन अपने अपने मातृभाषा, दूसरों की मातृभाषा, हर एक मातृभाषा के जीवनदायिनी ये सरकार हो, इसका जरूर हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे। अभी जो है बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था में बंगला भाषा को क्या स्थान है और क्या समस्याएं हैं कि बंगला भाषा के शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है, पाठ्य पुस्तकों का भी अभाव है, पाठ्य पुस्तकों में भी अच्छे जो कॉन्टेंट्स है वो नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे इसमें बंगला भाषा को सम्मान मिले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में? देखिए, जहाँ तक बंगला भाषा को सम्मान देने की बात है, बंगला भाषा बिहार सरकार के लिए ये एक अल्पसंख्यक भाषा की मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यक भाषा मतलब सरकार को बंदोबस्त करनी पड़ेगी, इनके शिक्षक हो, किताब हो, लड़के लोग पढ़ पाए, और जिससे बंगला भाषा का विस्तार हो, केवल यही अल्पसंख्यक भाषा को सरकार मान्यता देती है। लेकिन दुख की बात यह है, सरकार सोचती जो है, जो करने वाली जो हिस्सा है सरकार का, वो करती नहीं है। जैसे ये हमारे जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने कहा कि सभी किताब जो है सरकार अब नहीं छापेगी, दूसरी प्रिंटर से मुद्रक है वो छापेंगे और सरकार उसकी पैसा दे देगी। इस तरह से हर एक भाषा को कहाँ कहाँ छपेगा, हर एक विषय सरकार ने फैसला तो कर दिया, लेकिन बंगला भाषा कहाँ छपेगा वो भूल गया। इसलिए हमारे बंगला भाषा को छापने वाला कोई नहीं है, जब किताब लिखी जा चुकी है, लड़के लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों के पास जो कॉपी था उसका फोटोस्टेट करा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये किताब छप नहीं रही है। क्यों? सरकार मुद्रक को मिलना और मुद्रक के निश्चित करना भूल गई है, जो सरकार को करना नहीं चाहिए था। उसके बाद में और एक भाषा है, उर्दू भाषा। उर्दू भाषा ये सरकारी भाषा ही में आती है, उर्दू भाषा के लिए सरकार जितनी करती है उनका बंगला भाषा के लिए नहीं कर पाती है। हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षक का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, छोटी सी सरकारी गलती है कारण, लेकिन सरकार बैठकर सोचती नहीं है। ये तो है कि स्कूल में लड़के को पढ़ना पड़ेगा, अगर हमारे शिक्षक कहेंगे प्रधानाध्यापक कि आप बंगला पढ़ना चाहेंगे, किताब नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हिंदी पढ़ लेंगे तो सब पढ़ लीजिएगा। इस तरह से एक तरह से अगर हम देखें कि हमें बाध्य किया जा रहा है अपने मातृभाषा को छोड़ने के, ये बहुत दुख होती है। हम सरकार को मानते हैं, सरकार को इज्जत करते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, सरकार काफ़ी हमारी समस्याओं को सुनती है, लेकिन जहाँ भाषा की बात आती है पता नहीं क्यों सरकार सुन जाती है। एक सवाल और है कि अभी जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब है, और सबसे बड़ी बात है कि बिना पाठ्य पुस्तक के बच्चे पढ़े कैसे, और वो भी ये मातृभाषा हिंदी, ये कोई भी भाषा हो, और ये क्या कहते हैं बंगला, उर्दू, मैथिली, बजिका, ये सब के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ जी। अभी हमारी जो शिक्षा नीति शुरू हो रही है जी जी, जो मोदी साहब ने कहा कि नई शिक्षा नीति है, उसमें पहली बार ये कहा गया है क्लास 5 तक, पंचम वर्ष तक सब बच्चे मातृभाषा पढ़ेंगे। लेकिन एक जगह लिखा हुआ है उसमें भी, अगर किसी कारण से मातृभाषा के शिक्षक न हो तो बच्चों को आंचलिक भाषा या दूसरी भाषा पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। यानी ये शुरू में तो लिख दिया कि मातृभाषा पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ मैथिली,
हमारे सरकार कहेगी मैथिली आप पढ़ना चाहते ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन हमारे पास शिक्षक नहीं है, किताब नहीं है, आप हिंदी पढ़िए, आप दूसरी भाषा पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, देव भाषा पढ़िए, इस तरह से मैं मैथिली नहीं पढ़ पाऊँगा। ये इसी तरह से भोजपुरी, भोजपुरी पढ़ना चाहता हूँ मैं, सरकार बोलेगी भोजपुरी शिक्षक नहीं है इसलिए आपको भोजपुरी पढ़ा नहीं पाऊँगा। मैं बोलूँगा ये शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, तो कहेंगे शिक्षा नीति में देखिए सरकार अगर कोई शिक्षक नहीं होगा आप दूसरी भाषा को ऑफ कीजिए। इस तरह से जब केंद्रीय सरकार कहती है कि हाँ हम अपने मातृभाषा को 5 साल तक पढ़ पाएंगे, लेकिन मुझे ये डर है सरकार इसी बात को लेकर कि शिक्षक नहीं रहते उसे आंचलिक भाषा पढ़ना पड़ेगा, या जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें संस्कृत आती है वो कहेंगे संस्कृत पढ़ो। आज के दिन मैं बहुत जोर शोर से बोलना चाहता हूँ, जब ये हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है सरकार ये देखे कि जिसको जो भाषा पढ़ना है, बिहार में जितना हमारा भाषा है मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है, ये सभी भाषा को पढ़ना चाहिए, ये जो भाषा खो जाएगी समाप्त हो जाएगी और बहुत बड़ा धरोहर समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को आगे आके बोलना चाहिए जिसको जो भाषा पढ़ना है पढ़े। आप कहेंगे इतने शिक्षक कहाँ से आएंगे, ठीक है एक उपाय है जो जितने लोग मदर फादर लोग माँ बाप जो पढ़ाना चाहते हैं कि वो बच्चा अपना मातृभाषा पढ़े, वो कोशिश करेंगे शिक्षक के लिए कोई ना कोई पढ़ाने को तैयार होगा, इसके लिए पूरा शिक्षक नहीं हो लेकिन समय निकाल कर अगर पढ़ाने के लिए प्राइवेट शिक्षक ही मिल जाए तो भी सरकार को उपाय करना चाहिए। आज के दिन मातृभाषा के दिन अगर सरकार तक ये बात हमारी पहुँचा दे कि जैसे हमें नई शिक्षा नीति में अपनी मातृभाषा पढ़ने का अधिकार दिया गया है क्लास 5 तक, सरकार देखे अरे कोई अपना मातृभाषा पढ़े उसे शुद्ध हिंदी से या संस्कृत से या उर्दू से बदल नहीं, ये मेरी कामना। एक तरह से कहा जाए कि आज हम लोग बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि खामोशी तोड़े और ये जो मातृभाषा का जो अपमान हो रहा है, जो विलुप्ति के कगार पर है, जो उसका कोई चिंता करने वाला नहीं है, उसके लिए आगे बढ़ कर के मातृभाषा की रक्षा करने के लिए आगे आए और पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशन कर करके शिक्षकों की बहाली कर करके मातृभाषा को सम्मान दे शिक्षा विभाग बिहार सरकार जी। ये हम सभी की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और आपका जो मिशन है वो कामयाब हो, आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और मातृभाषा को सम्मान मिले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत दिन पटना बिहार, नमस्कार। कोई नारा भी आप लोग का है, नारा भी लगाना है कुछ, क्या कोई नारा है? नारा तो नहीं लगाते। ठीक, ओके, थैंक यू।